हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए काफ़ी टेस्टी और हेल्दी लड्डू लेकर आई हूँ। अब सर्दियाँ आ रही हैं और हमें ड्राई फ्रूट्स को खाना चाहिए, और मैं यहाँ पर आपको ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाकर दिखा रही हूँ। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कुछ भी मीठा अलग से ऐड नहीं करूँगी, जैसे कुछ भी चीनी वगैरह, टेस्टी बनाने के लिए। और ये वैसे भी काफ़ी हेल्दी और टेस्टी लगेंगे। तो आप देख ही रहे हैं, मैंने यहाँ पर घी में, देसी घी में बादाम को भून लिया है, और यहीं पर मैंने ये मखाने भी भून रही हूँ। ये हल्का हल्का हम ऐसे भूनेंगे और इनको अलग निकाल लेंगे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हैं आप उनको ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, क्योंकि सर्दियों में हमें काफ़ी ज़्यादा, मतलब सर्दी से बचने के लिए ये लड्डू खाने चाहिए। वैसे अलग अलग लड्डू की रेसिपी मेरे चैनल पे आपको दिख जाएगी, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर ये किशमिश है, बादाम पाक भी मैंने बना रखा है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है, बच्चों के भी गले ख़राब हो जाते हैं, तो उनको भी अभी से आदत डालिए हल्का गुनगुना पानी पीने की, जिससे वो, उनका गला भी ठीक रहे। बच्चे क्या होते हैं, कुछ भी ऑयली चीज़ या कुछ भी खाते हैं और ठंडा पानी पी लेते हैं, उससे भी ख़राब होता है। और सर्दी, जैसे मौसम चेंज हो रहा है, इससे भी काफ़ी सर्दी जुकाम बच्चों को लग जाता है। तो बच्चे हों बड़े हों, तो आज का जो ब्यूटी टिप है, हेल्दी टिप है, वो यही है कि आप अभी से गुनगुना पानी पीना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपके गले में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ऐसे करके हमने ये ड्राई फ्रूट्स को सभी को घी में ऐसे भून लिया है। और अब मैं इसको एक, आप दरदरा कूट सकते हैं, दरदरा पी सकते हैं, या आप बिल्कुल पाउडर फॉर्म में भी बना सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा है आप वैसे कर सकते हैं। अब ये देखें, मैं यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स प्लेट से निकाल रही हूँ। ये प्लेट में आपको घी भी नज़र आ रहा है, ये घी भी काफ़ी इसमें लगा हुआ है, लेकिन इससे, घी से, जो देसी घी है, ये टेस्टी लगता है। सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं हमने इसमें भून रखे हैं, और ये काफ़ी हेल्दी भी हैं। तो अगर आप इसका हर रोज़ एक लड्डू खाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, आप अपने बच्चों को भी देंगे, तो उससे एक तो सर्दी लगने का कोई डर नहीं है, और वैसे भी सर्दी में ये हर तरह के ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए। ये यहाँ पर मैंने 3-4 अंजीर ले सकते हैं, मैंने 3 अंजीर लिया है, और ये खजूर हैं, खजूर के बीज मैंने निकाल लिए हैं। अब हम इसको भी इसमें अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, और इसका जो, ये देखिए कैसे पेस्ट बन गया है, इसको हम अब घी में, कढ़ाई में डालकर दोबारा से इसको थोड़ा सा भून लेंगे, क्योंकि हमने इनको नहीं देसी घी में भुना था। ये थोड़ा चिपचिपा हो जाता है, इसको दूसरे स्पून से निकाल लें तो सही रहेगा, ये घी में भुनने के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे लड्डू में ये जो हमारी खजूर है, इससे ही मीठापन आ जाएगा। हमें और कुछ डालने की ज़रूरत होगी ही नहीं कि हाँ हम इसमें कुछ भी गुड़, चीनी डाल रहे हैं, हम कुछ नहीं डालेंगे। अब ये देखिए, हमने थोड़ा सा उसमें घी में भून लिया है अंजीर को और खजूर को, और अब ये जो ड्राई फ्रूट जो पाउडर बनाया है हमने, इसको थोड़ा मोटा भी आप रख सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है, क्रंची क्रंची, और आप इतना या इससे बारीक पीस को कर सकते हैं। अब हम ये इसमें ऐसे ही मिक्स करेंगे, आप अपना गैस बंद कर सकते हैं, और जैसे ये ठंडा होगा तो आप इसको अपने हाथ से भी पूरे ड्राई फ्रूट्स में अच्छे से मिक्स करके लड्डू बना सकते हैं। अब लड्डू ही बनाने हैं तो आप लड्डू बनाइए, अगर आपको इसकी जो पीसीज पीसीज में होते हैं वो भी बना सकते हैं, पूरी प्लेट में फैलाकर आप किसी नाइफ से काट सकते हैं। अब ये देखिए, मैं इसका लड्डू ही बनाऊंगी, ये हम ऐसे कर रहे हैं, ये देखिए कैसे आटे की तरह ये बन गया है। और अब हम इसके थोड़े थोड़े पीस तोड़कर लड्डू बनाएंगे। आप बड़ा छोटा जो साइज रखना चाहते हैं वो रखिए, ये आपके बच्चे भी काफ़ी पसंद करेंगे, और इससे ये भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ ये चीनी ज़्यादा अंदर जा रही है, इसमें ज़्यादा मीठा है, और ये काफ़ी टेस्टी लगेंगे, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें मीठा नहीं है, क्योंकि हम इसने इसमें खजूर भी डाल रखी है। तो खजूर एक फ्रूट हुआ है, ये अलग से हमने कोई शुगर वैसे नहीं डाली है, और ये हमारे लड्डू बनकर तैयार है। और देखिए, जैसे आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, आप कुछ भी खाने पीने का ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने अभी बताया है आपको कि गर्म पानी का यूज कीजिए, तो जब आप अपनी हेल्थ को ठीक रखेंगे तो आप में सुंदरता अलग ही नज़र आएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ ब्यूटी कुछ फेस पर लगाने के लिए कुछ अलग से बताऊंगी तो वही आपका ब्यूटी टिप होगा।
आप खाने पीने से रिलेटेड फेस पर लगाने से, जब खाने पीना ठीक रहेगा तो आपको फेस पे लगाने की भी अलग से कोई नीड ही नहीं होगी, तो आप कुछ भी लगा सकते हैं। पर आपको बाहरी प्रोडक्ट ज़्यादा यूज नहीं करने चाहिए, खाने पीने का ध्यान रखिए। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो आने तक बाय।